कुछ समय पहले उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, साथ साथ में ग्राउंड पे भी, जिसे कहते हैं भू कानून मूवमेंट। तो उसके बारे में आज जानेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत थी, भू कानून का मतलब क्या होता है, क्या इश्यूज़ हैं, और पूरी तरीके से इसकी एनालिसिस करेंगे प्री, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से। कहीं भी क्वेश्चन आएगा ये वीडियो देख लोगे नहीं बचेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भू कानून है क्या चीज़। अब इससे पहले ये जान लो कि जो लैंड है या भूमि है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है, 7वीं अनुसूची है, उसके अंदर राज्य सूची में भूमि लिखा हुआ है, यानी स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है लैंड। सो लैंड रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा? स्टेट बनाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी स्टेट ही बनाता था। हमें तो पता है ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है। 70% तो वो जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते थे, उसी का कॉपी पेस्ट है। तो वो चीज़ वहाँ पर भी थी कि लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन आज़ादी आ गई और आज़ादी के बाद कुछ असर तो आया। हुआ क्या, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय पे कई लोगों की एक डिमांड थी लैंड रिफॉर्म्स की, और बहुत बड़े बड़े एजिटेशंस हुए यूपी में, बिहार में, अदर स्टेट्स में कि हमको लैंड रिफॉर्म्स चाहिए। और इसलिए 1952 में जा करके एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आया जिसका नाम था UPZALR एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। याद कर लेना, यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी यही एक्ट चलता है। अब इसका नाम इन्होंने उत्तराखंड कर दिया है, कोई अंतर नहीं है उसमें। नाउ इसके अंदर में दो तीन चीज़ें की गई। नंबर वन, एक तो लैंड की सीलिंग डाल दी गई, यानी हदबंदी कर दी गई। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो लैंड है, एक व्यक्ति की लैंड उस स्टेट में, उत्तराखंड स्टेट में, पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेट अस से ये लिमिट है 12.5 acres। मैं ये नहीं कह रहा सब जगह यही लिमिट है, बट कई जगह ये भी लिमिट हो सकती है, ठीक है। तो 12.5 acres से ज़्यादा लैंड किसी एक के हाथ में नहीं हो सकती है, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। तो यानी जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, उनकी लैंड उनसे लेकर के दे दी गई बाकी लोगों को जो कि उस पर काम कर रहे थे। दिस इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। दूसरी चीज़ क्या हुई, इन्होंने बोला जो SC और ST हैं वो वल्नरेबल सेक्शंस हैं और उनकी लैंड को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और इसलिए SC और ST की लैंड ट्रांसफ़र करना आज भी यूपी में, उत्तराखंड में, पूरे देश में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर कोई दूसरा व्यक्ति SC या ST से लैंड खरीदना चाहे तो ईजीली नहीं खरीद सकता है। थर्ड थिंग वॉज लैंड यूज़ चेंज करने की बात। अब होता क्या है, जो लैंड होती ना वो जब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होती है तो उसमें ये भी लिखा होता है कि इसका यूज़ क्या हो सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हो, कमर्शियल लैंड पे आप दुकानें खोल सकते हो सकता है रेजिडेंशियल हो तो वहाँ पे आप कॉलोनियाँ बना सकते हो, और अगर इंडस्ट्रियल लैंड है तो वहाँ पे इंडस्ट्री खोल सकते हो, फॉरेस्ट लैंड है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो बैंड है, राइट। सो गवर्नमेंट लैंड उसी तरीके से। तो देर आर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ लैंड्स। इसमें एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट करना भी पॉसिबल है, और ये पॉसिबिलिटी आती है कहाँ से, UPZALR एक्ट से। यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बनाया जा सकता है। उसी तरीके से फॉरेस्ट लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है और उसका किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं, ZALR एक्ट से। नाउ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में कोई और लैंड रिफॉर्म का एक्ट नहीं आया। 1960 में एक और लैंड रिफॉर्म का एक्ट आया जिसको कहते हैं कूजा एक्ट, लेकिन इस डिस्कशन के लिए वो ज़रूरी नहीं है। मैंने केवल यहाँ पे नाम लिख दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज भू कानून। जब हम भू कानून की बात करते हैं तो हम इस लॉ की बात कर रहे होते हैं, UPZALR एक्ट। सारा भू कानून इससे ही रिलेटेड है उत्तराखंड में, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। नाउ स्टेट बना, और 2003 में तिवारी जी की सरकार थी, नरेंद्र तिवारी, और उन्होंने बोला कि चलो मैं एक बढ़िया सा काम करता हूँ। काफ़ी सारे बढ़िया काम किए उन्होंने एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो स्टेट की अधिकतर पॉलिसीज, स्कीम्स वगैरह 2002 से 7 के बीच की बनी हुई है, जो आज तक कंटिन्यू हो रही है। तो 2003 में वो एक एक्ट लेके आए विच वॉज एक्चुअली एन अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट 29 बोल देते हैं, बट आपको नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। इट्स एन एक्ट ऑफ 2003 विच इज़ बेसिकली एन अमेंडमेंट टू UPZALR एक्ट 1952। तो उन्होंने बोला एक चीज़, आज तक जो हो रहा था वो होगा, लेकिन
आज से कोई भी पर्सन या उसका कुटुंब लिखा हुआ इसमें, क्लोज फैमिली यानी वाइफ, बच्चे, सौतेले बच्चे, सगे बच्चे, जो भी हो सकते हैं, उस कुटुंब को मिला करके अगर वो व्यक्ति उत्तराखंड के बाहर का है, लेट अस से वो यूपी का है या हरियाणा का है या हिमाचल का है या कहीं और का है, उत्तराखंड में आके ज़मीन लेना चाहता है तो उसकी ज़मीन एक लिमिट के अंदर ले सकता है। उन्होंने कहा 500 स्क्वायर मीटर्स की ये लैंड है जो वो खरीद सकता है। विच लैंड? एग्रीकल्चरल लैंड। देखो, शहर के अंदर ज़मीन खरीदने पे कभी रोक नहीं थी, ना लगा सकते हो। सिटीज़ आर मल्टीकल्चरल स्पेसेस। ये सारी बात हो रही है रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर के। पूरे भू कानून में जो एजिटेशन है वो रूरल एरियाज़ की एग्रीकल्चरल लैंड को बचाने को लेकर के है, ये नहीं कि देहरादून के अंदर कोई लैंड नहीं खरीदेगा। दिस डिफरेंशिएशन इज़ वेरी मच नेसेसरी। आप चाहे प्री मेन्स या इंटरव्यू जहाँ भी उसको पूछा जाए, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो उन्होंने कहा 500 स्क्वायर मीटर्स की लैंड आप खरीद सकते हो एग्रीकल्चर की, उसका लैंड यूज़ चेंज करा के आप चाहो गांव में बना रहे हो, घर वगैरह बना लो तो बना लो। 2007 में जनरल खंडूड़ी की सरकार थी, भुवन चंद खंडूड़ी की, उन्होंने कहा 500 की भी क्या ज़रूरत है, 250 स्क्वायर मीटर इज़ द लिमिट, इससे ज़्यादा हम लैंड बाहर वालों को बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, क्या रीजंस थे थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन बेसिकली दिस वाज द लॉ टिल 2018 कि आप एग्रीकल्चरल लैंड कितनी ले सकते हो, 250 स्क्वायर मीटर, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो विद इन सिटी, नहीं आउटसाइड द सिटीज, विद इन द रूरल एरियाज। एग्रीकल्चरल लैंड तो रूरल एरियाज में ही होगी। नाउ 2018 में इसी एक्ट में, यूपी ZALR एक्ट 1952 में एक अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट आया? उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें 154(2) ये एक सेक्शन है ना, इसके थ्रू सीलिंग्स को कम्प्लीटली अबॉलिश कर देते हैं। यानी ये जो 500 स्क्वायर मीटर की, बल्कि 250 स्क्वायर मीटर की सीलिंग थी कि इससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता, वो हटा दिया। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ हटाई कि कोई भी कितनी भी लैंड ले सकता है। अभी तक लेटेस्ट से 12.5 एकर्स एक आदमी ले सकता था, बोला इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, एक आदमी चाहे 10 हेक्टेयर ज़मीन खरीद ले, 50 हेक्टेयर खरीद ले, जितने पैसे उतने खरीद ले। मतलब बेसिक आइडिया था कि लैंड पे से सीलिंग्स हटा दी गई, जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला 143A में लैंड यूज चेंज, जिसके लिए पहले काफ़ी भागना पड़ता था, पटवारी से लेकर के तहसीलदार के पीछे पड़ना पड़ता था कि साहब लैंड यूज़ चेंज करा दो, इसको कमर्शियल में कराना है या इसमें आवासी करा के प्लॉटिंग करनी है। उन्होंने कहा ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर आपने एक लिख के दे दिया, सिंगल विंडो सिस्टम होता है ना, वहाँ पे लिख दिया कि भैया मुझे इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए और ये लैंड है जो मैं खरीद रहा हूँ अभी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ऑटोमेटिकली लैंड यूज़ चेंज हो जाएगा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल। ठीक है, नाउ रीजंस बिहाइंड दिस वर फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ओरिएंटेड। उन्होंने कहा कि यार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, पहाड़ों में इंडस्ट्रीज नहीं है तो हम पहाड़ों में इंडस्ट्री लगाएंगे, मैदानों में तो पहले ही बहुत इंडस्ट्री है उत्तराखंड के, पहाड़ों में इंडस्ट्री लगाएंगे। थोड़ी देर में क्वेश्चन आएंगे इसमें। सेकेंडली इट इज़ इन्वेस्टर फ्रेंडली कि इन्वेस्टर्स आएंगे, वो लैंड खरीदेंगे तभी तो फैक्ट्रियां लगेंगी, तभी तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, तभी तो पहाड़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दिस वॉज द रीजन गिवन। फिर उन्होंने कहा कि होटल्स, बुटीक, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, टूरिज्म, इस सब को हम इंडस्ट्री में मान करके चलते हैं। तो यानी आप छोटे मोटे रेस्टोरेंट, होटल, वो सब भी एग्रीकल्चरल लैंड पे खोल लो और आप अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हो गवर्नमेंट के हिसाब से। सेक्शन 167, उन्होंने कहा कि देखो हम प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं सेक्शन 167, अगर किसी ने जो बताया है, डिक्लेयर किया ना कि मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, उस इंडस्ट्री लगाने के अलावा कुछ और काम किया तो उसकी लैंड हम वापस कर देंगे, वो जो लैंड ट्रांसफ़र हुई ना वो कैंसिल हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल्सो देयर इन 2018 एक्ट, पहले से था, 2018 में इसको हटाया नहीं गया। अब इसके बाद एजिटेशन होने शुरू हुए, लोगों ने 2020 में जब वो घर बैठे कोरोना के टाइम पे, तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, और ज़मीनें इस बीच खरीदी जा रही थी, उन लोगों ने खरीदी थी जिनको इंडस्ट्री लगाने का कोई मतलब नहीं था, वहाँ पे प्लॉटिंग चल रही थी। तो 2020-21 में काफ़ी बड़ा एजिटेशन हुआ, चुनाव भी आने वाले थे, सरकार ने कहा ठीक है रुको हम एक काम करते हैं, भू कानून समिति बना देते हैं। अब देखो इससे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेना। नंबर वन, इसके चेयरमैन थे सुभाष कुमार वॉज द चेयरमैन, ये ध्यान रखना। अजेंद्र अजय वॉज अ मेंबर, जो बद्री केदार मंदिर समिति जो इसके अभी चेयरमैन है, ही वॉज अ मेंबर। अनदर मेंबर वॉज आनंद वर्धन, हु वॉज होम सेक्रेटरी एट दैट टाइम। ये सुभाष कुमार थे, ये रिटायर्ड IAS थे, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी थे,
तो इन्होंने कहा ठीक है साहब, जुलाई में आपने कमेटी बना दी, एक साल तीन चार महीने लिए, सितंबर 2022 में जाकर के इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भैया ये होना चाहिए। इन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि पहाड़ों में लैंड खरीदी जा रही है बहुत बड़े पैमाने पे, डीएम से जो रिपोर्ट आई है उस लैंड का इंटेंडेड यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने बोला कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं मानते, हम लैंड यूज़ चेंज को और फास्ट कर देते हैं। हमने कहा कि विद इन 10 डेज हम लैंड यूज़ चेंज कर देंगे। कैसे बोला, 2022 में एक और एक्ट आया, इसके बारे में लोग कम जानते हैं, 2018 के एक्ट के बारे में तो फिर भी लोग जानते हैं, इसकी डिटेल्स नहीं जानते हैं, ठीक है। तो 2022 में एक और एक्ट लाया जिससे ये लैंड ट्रांसफ़र करना और ईजी कर दिया गया। उन्होंने कहा 10 दिन में आपका लैंड यूज़ भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आता है कि क्या ये ज़ीनोफोबिक है, ज़ीनोफोबिक मतलब उत्तराखंड के जो लोग हैं क्या वो इसलिए ये मांग रहे हैं कि उनको बाहर के किसी लोगों से कोई दिक्कत है, नफ़रत है, वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग यहाँ पे बसें। तो जैसा मैंने बोला कि शहरों में तो बसने पे पहले ही कोई रोक नहीं है, ना लग सकती है ना लगानी चाहिए, वहाँ तो लोग बसेंगे ही। ये सारा इशू है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बचाने का। और यही चीज़ पे हिमाचल का एक एग्जाम्पल लीजिए, हिमाचल इज़ रिलेटिवली अ बेटर इकोनॉमी इन डिफरेंट टर्म्स, मतलब हम पर कैपिटा इनकम छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर बात करें इट्स अ बेटर इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू उत्तराखंड। उत्तराखंड के कंपैरेबल पहाड़ी जिलों को देख लोगे तो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम ऊपर है, ठीक है। हिमाचल तो पूरा पहाड़ है ना, मैदान वहाँ पर बहुत कम है, सोलन बद्दी वगैरह छोड़ करके। दूसरा, लद्दाख में अभी जो एजिटेशन चल रहा है वो भी इसीलिए चल रहा है। तो जब हिमाचल में लॉ है पहले से ही, भू कानून है कि भैया वहाँ पे इतनी लिमिट है, इतना ही आप लैंड खरीद सकते हो, और वो भी खरीदना इतना इजी नहीं है। लद्दाख में वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में आप लैंड नहीं खरीद सकते, कई सारे एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में। फॉर एग्जांपल आप छोटा नागपुर प्लाटू के एरिया में चले जाइए, वहाँ छोटा नागपुर प्लाटू में, छोटा नागपुर जो परगना है वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ एक्ट है, किसी और को लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ट्राइबल्स के अलावा। तो यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें लगाने में इतना ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। द इशू इज़ घोस्ट विलेजेस बन रहे हैं, कल की डेट में कहीं वो पार्टी विलेजेस तो नहीं बनेंगे कि बाहर से लोग वीकेंड में आए वहाँ पे पार्टी करने लगे। अब उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि पार्टी करने लगे, लेकिन वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट पे, कल्चर पे किस तरह का असर पड़ेगा, ये एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या वहाँ उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज की कोई कमी है? और मैं बताऊँ, उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देश में GDP में इंडस्ट्री का योगदान कितना है? 25% 25% के आसपास, उत्तराखंड में 50% के आसपास है। इंडस्ट्री कंट्री के तुलना में उत्तराखंड में पहले ही ज़्यादा है। ग्रांटेड कि ये आपका उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में है, लेकिन पहाड़ों में आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हो जिसमें इतनी ज़्यादा लैंड आपको चाहिए? 500 स्क्वायर मीटर में ठीक ठाक इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री लग जाती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप पहाड़ों में लगा भी नहीं सकते क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉज हैं। तो एनीवेज ये आप इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना किस चीज़ के लिए रहो, किस तरह की इंडस्ट्री वहाँ पर आप खोलोगे? दूसरा, इसका इम्पैक्ट कैसा रहा है? अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर लोगों ने लैंड खरीदी, उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, वो प्लॉटिंग करने के पर्पज़ से खरीदी। और ये 2018 से तो आज 6 साल हो गए ना, इन 6 ईयर्स में कितनी इंडस्ट्रीज इस पॉलिसी के थ्रू पहाड़ों में आई हैं, इट्स एन ओपन सीक्रेट, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा देखने में नहीं आता है। नाउ फियर्स क्या हैं? जो हम कह रहे हैं ज़ीनोफोबिया, यानी कई लोग कहते हैं ना कि हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया तो उत्तराखंड में बाहर के लोग लैंड क्यों ना खरीद सकें। ये जो लाइवलीहुड का इशू है ना, ये केवल उत्तराखंड नहीं, सब जगह है। अगर आप कर्नाटक में देखोगे तो बैंगलोर में भी लोग कह रहे हैं कि जो लोकल ऑटो वाले हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं। गोवा में भी यही इशू चल रहा है। दिस इज़ एन इशू ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। लोकल लोगों को बिना इंक्लूड किए जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ पर रिजेंटमेंट आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज़ है डेमोग्राफिक फियर्स, राइट। अब उत्तराखंड में क्या होगा कि लैंड खरीदी, गर्मी तो बढ़ ही रही है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग, यूपी की पॉपुलेशन इज़ 22 करोड़, अगर यूपी के आसपास में दिल्ली हरियाणा वगैरह को जोड़ लिया जाए तो टोटल पॉपुलेशन उत्तराखंड से लगे हुए प्लेन एरियाज़ की जो कि विद इन ड्राइविंग डिस्टेंस में है, इट्स मोर देन 20-30 करोड़ इजीली, ठीक है। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उत्तराखंड के साउथ में।
और उनको जगह कहाँ मिलनी है, केवल उत्तराखंड में, क्योंकि हिमाचल में वो लैंड खरीद नहीं सकते। और उत्तराखंड में अगर वो बड़ी संख्या में बस गए, पहाड़ों में बड़ी संख्या में बस गए, तो उसका बेसिक कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग अनयूजुअल फियर, यही फियर लद्दाख में भी है, यही डर नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, यही डर कश्मीर में भी है। जहाँ जहाँ कम पॉपुलेशन वाले एरिया हैं वहाँ वहाँ ये डर लोगों में होता है। एंड इट्स नॉट रिलीजियस, रिलीजियस फियर एक चीज़ होती है, लेकिन इन जनरल वहाँ का जो कल्चर है वो सबवर्जन का फियर उसमें है। नंबर टू, लाइवलीहुड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पुअर विलेजेस। कोरोना के टाइम पे जब लोगों के पास कुछ नहीं था तो गाँव में आके खेती करनी शुरू कर दी। अगर सारी ज़मीन वो बेच देंगे तो वो खेती करने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो लैंड की वजह से होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है इन चीज़ों के थ्रू। करना क्या चाहिए था कि जो लैंड आप कहते हो पहाड़ों में एग्रीकल्चर नहीं हो रही, ये बात सच है, लेकिन हिमाचल में कैसे हो रहा है? कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पे हम जोर दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर पे हम जोर दे रहे हैं। आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए था, लोकल लोगों को बोलना चाहिए था कि भैया इंडस्ट्री तुम लगाओ, फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाओ, तुम स्क्वाश बनाओ, जैम बनाओ, जूस बनाओ, और वो बिकेगा, मार्केट में बिक रहा है और अच्छी क्वालिटी का, अच्छे रेट पे बिक रहा है, तो हम उसको क्यों ना प्रमोट करें रादर देन सेलिंग ऑफ लैंड। थर्ड थिंग, इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अगर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है पहाड़ों में वो है रिजॉर्ट और होटल। बड़े बड़े रिजॉर्ट और होटल्स को लेकर के इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पहले से ही हैं। अगर आप देखोगे न्यूज़ में आता रहता है कि फॉरेस्ट लॉज को ये लोग वायलेट कर रहे हैं, जो उनका पानी है वो कहीं भी छोड़ रहे हैं, तो क्या बड़े पैमाने पे ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमारे लिए फ्यूचर में नहीं आने वाले हैं? कल्चरल इम्पैक्ट, दैट इज़ ऑल्सो देयर, कि वहाँ का जो लोकल कल्चर था, जो नए लोग हैं उस क्षेत्र के देवी देवताओं से, कल्चर से न जुड़े हैं न जुड़ना चाहेंगे। जैसे कि मैंने बोला घोस्ट विलेज बन सकते हैं पार्टी विलेजेस, तो वो एक कल्चरल डिस्कनेक्ट होगा जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। देन देयर इश्यू ऑफ फास्टर माइग्रेशन, कि अभी तक तो पलायन हो ही रहा था, लेकिन कल की डेट में क्या होगा कि ये माइग्रेशन और तेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची, आपने लैंड अपनी बेच दी, तो आप करोगे क्या? माइग्रेट करके जाओगे, एंड दैट इज़ ऑलरेडी अ बिग इश्यू इन उत्तराखंड। सो इन सम कंक्लूजन में अगर मैं बोलूँ तो लैंड लॉ एक इमोशनल इश्यू है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं। और इसको आपको ह्यूमन ही नहीं, एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से, एक इन्वायरमेंटल स्टैंड पॉइंट से भी देखना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए अदर हिमालयन स्टेट्स के साथ में, और उसके बाद एक कंक्लूजन करना चाहिए कि क्या ये नेसेसरी है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।